पार्टी के सर ये जो कारकर्दगी रही है इसे कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें तो वो कहती है जी आप हमें मुबारकबाद नहीं दे रहे, वो दाद भी वसूल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए ये उनकी कारकर्दगी ये काबिल दाद है, काबिल फख्र है या शर्मनाक है? जी देखिए अगर तीनों अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो भी कोई मुजायका नहीं, लेकिन ये तो क्लियर था कि सिंध में वो 8 सीटें तो फॉर श्योर लेके जा रहे थे। एमक्यूएम की स्प्लिट की वजह से उनकी स्ट्रेंथ सिंध में ज़्यादा हो गई। ठीक, केपी में उनके रूट्स पुराने हैं और बहुत सारे केपी के जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं वो भी किसी वक्त में पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, और केपी से भी 2 सीटें ले जाना जबकि उनके 2 या 3 मेंबर्स हैं, अचंभे की बात ज़रूर है लेकिन कोई अनहोनी नहीं। पंजाब में चूंकि उनके सिर्फ 8 MPAs हैं, पंजाब में उनका कुछ भी नहीं बना, इसी तरह बलूचिस्तान में भी कोई, लेकिन सर पंजाब में 26 वोट्स तो ले लिए उन्होंने, मतलब 8 मेंबर उनके पंजाब में लेकिन 26 वोट्स ले लिए उन्होंने। जी जी मैं सीट निकालने की बात कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि जो सीटें उन्होंने ली हैं उन इलाकों से ली हैं जहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ है या रूट है, तो अनहोनी भी नहीं कह सकते। हाल बता अनहोनी अभी होने जा रही है जब ये 20 सीटों के साथ मेजॉरिटी की दौड़ में पड़े हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ की 33 सीटें हैं वो भी मेजॉरिटी की दौड़ में पड़े हुए हैं। देखा जाए मारुख तो इस वक्त दोनों में से कोई भी इंडिपेंडेंटली अपना चेयरमैन लाने की पोजीशन में नहीं है। मुस्लिम लीग को 16 वोट्स गालिबन मजीद चाहिए, बल्कि मोर देन 53 की टोटल स्ट्रेंथ चाहिए चेयरमैन लाने के लिए, जिसके लिए पीपल्स पार्टी को मजीद कई माइल्स दूर जाना पड़ेगा। नवाज को 20 चाहिए। वजह है कि अब जो शर्मनाक जी 20 वोट्स चाहिए पीएमएलएन को और 33 चाहिए पीपल्स पार्टी को। जी बिल्कुल 33 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए और 20 चाहिए मुस्लिम लीग को। ऐसी सूरत हाल में जो सूरत हाल बन रही है बलूचिस्तान में वो कम अज कम शर्मनाक है। सारे उड़ उड़ के वहाँ पे जा रहे हैं, अपने अपने वफद भेज रहे हैं, और उसमें खाली पीपल्स पार्टी शरीक नहीं, उसमें मुस्लिम लीग नवाज भी शरीक है, उसमें पीटीआई भी शरीक है। तो जो भी आउटकम निकलेगा वो आपको बलूचिस्तान फाटा और केपी से ही नज़र आएगा, क्योंकि पंजाब के और सिंध के रिजल्ट्स जो हैं वो कम अज़ कम इन पर कोई असरअंदाज मजीद नहीं हो सकता।